प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक साथियों का बहुत हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खरगोन जिले की सेंधवा विधानसभा में मेरे साथ में सेंधवा के पूर्व विधायक, हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी मेरे साथ में हैं। मेरे साथ सूरत महाराज से विधायक आदरणीय प्रवीण घोघारी जी भी मेरे साथ में हैं। आदरणीय विकास जी हैं, हमारे पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठगण भी हैं। साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए जो काम किए हैं, उसका एक लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी सरकार का मापदंड रहता है कि उस सरकार में जब काम करना शुरू करती है तो जनता की सेवा के लिए करती है, और इसलिए 2003 से लेकर 2023 तक इस 20 वर्षों में हमने 18.5 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और जो पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, जो भंटाडाल सरकार दिव्य सिंह के समय चलती थी, वो देखने में आ रहा कि अब हमने उसको विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। तमाम क्षेत्र में विकास की राह पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक जिले हैं जहां पर व्याप्त समस्याओं का निराकरण किया है, और ऐसे अनेक समाज हैं जहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर, सबके प्रयास के आधार पर हमने प्रदेश का विकास किया है। और इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नवंबर के विधानसभा के चुनाव में जाने वाले हैं। जिस प्रदेश में पहले सड़कों का बदहाली हुआ करता था, जहाँ पर ये पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, प्रदेश कभी क्रॉस होते थे तो ये मालूम पड़ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया, जहाँ पर सड़कें हैं ही नहीं, ऐसा बीमारू प्रदेश दिव्य सिंह की सरकार के समय 2003 के पहले था। बिजली आना तो दूर है, बिजली आने के लिए लोग लालायित रहते थे, कोई आने का कोई समय निश्चित नहीं रहता था, जाने का समय निश्चित रहता था, पूरा प्रदेश अंधकार युक्त था, उसे प्रकाश की ओर पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां पर विद्यार्थियों के लिए उज्ज्वल शिक्षा योजना की बात करें, कहीं स्कूलें भवन नहीं थी 2003 के पहले, कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं टीचर नहीं थे, ऐसे अनेक शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय हो गए, स्कूल के क्षेत्र हो गए, टीचर की भर्ती हो गई, वहाँ पर हमने उन्नयन काम किया है। महिलाओं के क्षेत्र में कभी महिलाओं को अपमान की दृष्टि से देखना काम कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस के कई मंत्री इसमें लिप्त भी हैं, ऐसे कई उदाहरण प्रदेश की सरकार के समय खाके में आए भी हैं। और इसलिए महिलाओं को सम्मान देने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी तमाम योजनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की, जो प्रदेश 2003 के पहले कहीं कहीं इस पूरे देश भर में बीमारू प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला, भंटाढार के नाम से जाने जाने वाला, और कहीं कहीं किसी प्रकार का कोई भी लाभ जनता को नहीं मिले, कितना करप्शन भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार 2000 पूर्व की सरकार थी, जिसको नकारा है 2003 की चुनाव में। और इसलिए आज हम सेंधवा विधानसभा के माध्यम से, पूरे जिले के पत्रकारों के माध्यम से हमारी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा लेखा हमने 20 सालों में, हमने प्रदेश की सरकार में क्या क्या विकास काम किए हैं, उसका वृत्तांत एक हम देना चाहते हैं। और इसलिए आज हमने इस पत्रकार साथियों को बुलाया है। हम चुनावी मैदान में जाने वाले हैं और ये बता देना चाहते हैं कि अब हम स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, आदर्श ग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की श्रेणी में रखने का काम, हर गांव में पक्के मकान सुलभ हो, हर गांव में रहने वाली हमारी महिलाओं को सम्मान के रूप में लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, विवाह के लिए हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से हो, गाँव के युवाओं को रोजगार देने की बात हो, गांव आत्मनिर्भर खड़ा हो, उसके लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार काम करे, इसके बारे में विस्तार से हमने इस लेखा जोखा पत्र में हमने दिया है। और इसलिए पूरा एक गरीब कल्याण सेवा के माध्यम से जो सरकार हमने चलाई है, उसका पूरा लेखा हमने तैयार किया है। आत्मनिर्भर गांव खड़ा होगा तभी प्रदेश खड़ा होगा, तभी देश खड़ा होगा। इसलिए अमृतकाल हमारा चल रहा है, आने वाला 2047 देश की आज़ादी के बाद जिस क्रांतिवीरों ने आज़ाद भारत के सपने देखे थे कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, उसको लेकर हमारी देश की सरकार काम कर रही है। 2014 के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, ये सरकार युवाओं को समर्पित सरकार है, ये सरकार महिलाओं की है, हमारे किसानों की है, हमारे अनुसूचित जातियों की है, अनुसूचित जनजातियों की है, और इसलिए तमाम प्रकार के समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास किया है। हमने कभी भी मतभेद नहीं किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, किसी भी समाज का, सबको प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, सबको आयुष्मान के माध्यम से इलाज करने की व्यवस्थाएं दी हैं,
कोरोना काल में समाज को लेकर हमने काम करने का दृष्टिकोण चिन्हित किया है। मध्य प्रदेश के जननायक जब मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा है कोरोना में समाज को जोड़कर काम किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस मध्य प्रदेश का शोषण किया है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति हो जनजाति हो इनका उपभोग किया है, गरीब हटाने का उन्होंने नारा दिया है और गरीबों को तो उन्होंने हटा ही दिया है और हमने गरीबों का उत्थान किया है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। और इसलिए ये 20 साल की हमारी जो सरकार है, इस सरकार ने जितने समाज के वर्गों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारे कई प्रकार के हमारी प्रदेश की सरकार ने काम किया। आज मैं सेंधवा में बैठा हूँ, सेंधवा में जितना विकास अगर हम देखेंगे, सड़कों का जाल यहाँ बिछ गया है, छोटे छोटे तालाब बिराज के माध्यम से यहाँ पर आदिवासी समुदाय को पानी दिया गया है, कई सामुदायिक भवनों का निर्माण यहाँ पर किया गया है, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमने खड़ा किया है। सेंधवा में हमारी मंदोर से मलवाड़ रेल लाइन का काम भी हमारा चालू चल रहा है, उसकी भी स्वीकृति आने वाले बजट में हो रही है। तो ऐसे तमाम प्रकार के इस लोकसभा के क्षेत्र में विकास काम हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इस ये जो रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये रिपोर्ट कार्ड 20 साल का भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है। इसको मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुँचा देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेवा करने के नाम से, गरीब कल्याण सेवा सुशासन के नाम से सरकार हमने बनाई, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और ये लेखा जोखा आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं मीडिया के द्वारा। प्रमुख बिंदु क्या है रिपोर्ट कार्ड के, क्या प्रमुख चीजें प्रदर्शित? मुझे लगता है कि पहले तो हमने लोकसभा में, अभी लोकसभा का सदन आप सबने देखा है, लोकसभा के सदन में हमने 25 बिल पास किए। जिस प्रकार से मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया, वो सदन में भी हमने कहा कि हम मणिपुर पर हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, परंतु कांग्रेस के लोगों ने न चर्चा होने दी न चर्चा कराने का प्रयास किया। जब उनके गठबंधन की एक पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली सरकार का जो संशोधन विधेयक बजट जब उसमें आया तो उन्होंने अपने गठबंधन पार्टी का उन्होंने चर्चा कराई, परंतु अन्य महत्वपूर्ण बिल जो थे उस पर उन्होंने न चर्चा कराई न उस चर्चा में उन्होंने भाग लिया। और जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी उसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हुआ था, तो आपने देखा है कि उन्होंने किस्से और कहानियों के माध्यम से पूरे देश में हंसी का पात्र राहुल गांधी बने, जब उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया पार्लियामेंट में, तो विपक्ष के लोगों ने भी बाहर आकर सिर्फ बहिष्कार किया। तो डिमांड करते हैं तरफ से चर्चा कराने की प्रधानमंत्री को शामिल होने के लिए, और कांग्रेस जब शामिल हमारे प्रधानमंत्री होते हैं सदन में तो कांग्रेस के लोग उसको छोड़कर भाग जाते हैं, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप चर्चा हमसे कराइए, बात कराइए। आज हम रिपोर्ट कार्ड लेकर हमारा आया है, 9 साल हमारे केंद्र सरकार को हो गए, 18.5 साल हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को हो गए कि रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और इसमें प्रमुख बिंदु जो है वो बिजली है, सड़क है, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है, हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, हमारी बेरोजगारियों की भर्ती को लेकर हमने 50,000 लोगों की भर्ती की, जिसमें 20,000 पटवारी है, 35,000 टीचर्स हैं, रोजगार को लेकर हम बात कर रहे हैं, जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश की सरकार ने काम किया, पूरा जाल बिछ गया अनेक प्रकार के डेमो के माध्यम से। हमने इस प्रदेश में बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी, गांवों को अच्छा स्वच्छ गांव बनाने के लिए, सुशासन गांव बनाने के लिए, आदर्श ग्राम बनाने के लिए, जहां पर वन अधिकार के पट्टे देने से लेकर वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करना, ऐसे तमाम बिंदु हमारे प्रदेश की सरकार ने किए, जिसमें पैसा कानून हमारा हो गया, 5वीं 6वीं अनुसूची के जैसे कुछ ग्राम हो उसको अधिकार देने के बाद हो, जो मुद्दे विपक्ष के लोग उठाते थे, कोई संगठन उठाता था, उस सब पर हमने काम किया है। आज मध्य प्रदेश में सिर्फ विकास की राह पर इन 18.5 साल में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस की 50 साल की सरकार भी इस मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई। इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि आपका इस 50-60 साल का लेखा जोखा आप लेकर आइए और उसके लेखा जोखा का मैं हमारी 18.5 साल की सरकार का लेखा जोखा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। संसद जी 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में हो गए, 15 साल कांग्रेस की सरकार को छोड़ दे तो उद्योग की दशा निमाण में, खासकर कपास उद्योग की दशा बहुत बदहाल है। सरकार ने कपास उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या किया और क्या दलहन तिलहन पे भी मंडी टैक्स कम किया जाएगा? निश्चित तौर पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हम लघु उद्योग केंद्र की बात करें, सूक्ष्म लघु उद्योग डालने की बात करें, पहले से कोई योजना नहीं थी। अब छोटे छोटे उद्योग डालने से लेकर बड़े बड़े उद्योग तक 5-5 करोड़ तक के उद्योग डालने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई। जहाँ तक आपने बात करी है कि कुछ अपने क्षेत्र में दूसरी बात है, तो मुझे लगता है कि पिछले हम 15-20 साल पुरानी सरकार की बात करें
और अब हमारी सरकार की बात करें तो हमने कई उद्योगों के साथ में चर्चाएं भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का संवाद कार्यक्रम भी किया है, व्यापारियों के साथ में भी किया है, और व्यापारियों के साथ में छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी, और उसको लेकर जो मंत्रिमंडल में मंत्रालय कैबिनेट में जो फैसला हो सकता है फैसला भी किया है। हमने विगत दिनों ही मंडी टैक्स में भी 50% का ही शुल्क निर्धारण किया है, बाकी का शुल्क निर्धारण पर हमने माफी करी है। नए उद्योग धंधे लाने के लिए अनेक प्रकार की हमने छूट का प्रावधान किया, 25% से लेकर 60% तक उद्योग धंधे डालने में छूट का प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया। मौजूदा समय में मांग हो रही है, इसके लिए क्या योजना है रेल मार्गों को लेकर? निश्चित तौर पर आप इस बात से विश्वास करिए कि पहले कांग्रेस के लोगों ने, मैं वो बात इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि 60 साल का इतिहास देखें तो कांग्रेस के लोगों ने इस लोकसभा के भोली भाली जनता को ट्रेन की पटरियां बिछाकर वोट ले ली और ट्रेन की पटरियां उन्होंने उठा ली, परंतु इस बार जनता को विश्वास है कि हमने लोकसभा के सदन में ये मुद्दा उठाया, देश के प्रधानमंत्री से हम मिले भी हैं, हमने 4 दिशाओं से रेल लाने का प्रस्ताव दिया जिसका 1 का सर्वे काम पूरा हो गया। खंडवा भाई खरगोन बड़वानी जुड़वाने बड़वानी होते हुए धार होते हैं तो उसका रेल का काम पूरा प्रोजेक्ट सर्वे हो गया है। रेलवे बोर्ड की कमेटी में प्रस्ताव आ रहा है, एक हमने अलीराजपुर से रेल बड़वानी लाने का एक प्रस्ताव दिया जिसपे सर्वे के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी ने मार्ग किया है। एक सेल्दा प्लांट हमारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर कोयला जबलपुर तरफ से कोयला आता है जिसको बढ़ाने का हमने प्रस्ताव दिया है, वो भी रेलवे की कमेटी में जाने वाला है। सर इंदौर से लेकर मलमाड़ का जो काम है और निश्चित तौर पर ये चारों दिशाओं से जिसमें एक प्रोजेक्ट हमारा सर्वे पॉजिटिव होने के बाद में रेलवे बोर्ड की कमेटी में गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस लोकसभा में चारों दिशाओं से रेल लाने का प्रयास हमारा चल रहा है और आने वाले समय में जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने यह निश्चित भी किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2024 से लेकर 2025 तक हर डिस्ट्रिक्ट में रेल आएगी, जो उन्होंने संकल्प लिया है। पलायन मदसूर जा रही है क्षेत्र से, पलायन अभी तक रुका नहीं, पिछले 14-15 साल आपकी सरकार रही, पलायन को लेकर क्या काम कर रही है सरकार? निश्चित तौर पर पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनजातीय क्षेत्र का, आदिवासी क्षेत्र का। आपने देखा कि विगत 2-2.5 साल तक कोरोना काल का हमने दंश झेला है, कोरोना काल का इतना दंश झेलने के बाद में भी फिर भी पूरी दुनिया भर में हम स्थायीकरण की ओर बढ़े हैं। कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो गए, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रत्येक हितग्राही को दिया। आज भी आपने देखा किसी को भूखा नहीं मरने दिया। बात रही पलायन की, क्योंकि बहुत छोटे लोगों का पलायन होता है क्योंकि मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। निश्चित तौर पर 2-2.5 साल के कोरोना काल के बाद में एकदम सरकार को भी काम को खड़ा करने में समय लगता है। आपने देखा सरकार को गतिविधि करने में टाइम लगता है, इसलिए हमने मनरेगा के माध्यम से कुछ ग्राम पंचायतों में काम भी शुरू करे हैं। फिर भी मनरेगा के काम की क्षमताएं और लोगों की बेरोजगारी अत्यधिक होने से कुछ लोग पलायन, निश्चित तौर पर बाहर भी मजदूरी ज्यादा है इसमें जाते हैं, फिर भी सरकार ने गांव में छोटे छोटे SHG ग्रुप को काम देने का काम शुरू किया है, छोटे छोटे समूहों को हम स्किल इंडिया योजना के माध्यम से देखें तो हमको भी छोटे 10,000 रुपये का लोन देकर काम करने के लिए ठेला वाला हो, हाथ करघा वाला हो, बैठक करने वाला, सब्जी वाला, उसको किस प्रकार से रोजगार मिल जाए, तो छोटे छोटे लोगों को भी रोजगार देकर वो पलायन न करे इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। मोदी जी शिक्षा स्वास्थ्य की हालत बहुत बदतर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत सेंधवा विधानसभा में बद से बदतर होती जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि पहले की 20 साल पहले की सरकार और अभी की सरकार, बात रही सेंधवा हो बड़वानी हो पाटी हो, इसमें अभी हमारे जिले में करीब 1200 से अधिक टीचरों की भर्ती हमारे जिले में या लोकसभा में हुई। अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, देखा जा रहा है कि महेश्वर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्या भाजपा कोई कार्रवाई की जाएगी? कसरावत में भी विरोध हो रहा है, प्रशासनहीनता बिल्कुल नहीं है, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग टिकट मांगने वाले रहते हैं, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है, वो हमारे ही कार्यकर्ता है और इस प्रकार का कोई भी गतिविधि ज्यादा नहीं है हमारे सब कार्यकर्ता। पर पानी नहीं आ रहा, सेंधवा विकास खंड में यदि 100 पंचायतों में अगर काम हुआ है तो 90 नहीं है, मैंने खुद देखा। ये शिकायत मैंने पिछली बार भी यहाँ पर सेंधवा में की थी, मैंने उसका सर्वे कराया है, उसमें कई जगह पर जल जीवन मिशन के माध्यम से महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की जो शहर में